नमस्कार, एनबीसी न्यूज की टॉप 10 न्यूज में आप सभी का स्वागत करते हैं। सुबह की शुरुआत एनबीसी की खबरों के साथ, जानेंगे देश विदेश की खबरें एक साथ। आपकी गुमराह करने की विचारधारा को नाकाम करेंगे जेपी नड्डा का कहना। 11 दिसंबर को होगा मोदी का नागपुर शहर में आगमन, समृद्धि पर मोदी करेंगे 10 किलोमीटर का सफर। गुजरात की 157 सीटों पर खिला कमल, भाजपा 150 के पास और कांग्रेस 20 के अंदर ही सिमटी। पीएम मोदी और शाह के गांव में इस बार खिला कमल, कांग्रेस की सीट छीनने में आरएसएस की बड़ी भूमिका। श्रद्धा हत्याकांड, आरोपी आफताब की जुडिशियल कस्टडी 14 दिन के लिए बढ़ाई गई। नई दिल्ली, कांग्रेस एनसीपी और शिवसेना सांसद ने की सुबह 11 बजे अमित शाह से मुलाकात। मालदीव में पैर पसार रहा ISIS, गृह मंत्रालय ने पड़ोसी देश में भेजी NIA की सुपर कॉप टीम। जोधपुर में शादी के दौरान घर में आग लगने से 4 की मौत, 64 हुए जख्मी। चक्रवाती तूफान मेडिकेयर को लेकर तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में किया गया ऑरेंज अलर्ट घोषित। और विजयवाड़ा स्विमिंग पूल में क्लोरीन गैस के रिसाव से करीब 12 छात्र हुए बीमार।